सोने से पहले रोज खुद को ये 5 बातें याद दिलाना, 7 दिन में तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आएगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये केवल कहने की बात नहीं, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसको कहा जाता है सेल्फ एवोल्यूशन टेक्निक। तो आज का ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखना। सोचिए आप एक ऐसी परीक्षा देते हैं जिसका कभी रिजल्ट ही नहीं आता। जाहिर सी बात है, ऐसी परीक्षा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब तक आपको पता ही न चले कि आपने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। आप अपने आप को अगली परीक्षा के लिए इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे, और जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि सफलता पाने के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है। अब आगे की बात को जरा गौर से सुनना। आपकी जिंदगी का हर एक दिन एक परीक्षा है जिसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और अपने टारगेट को अचीव करना है। जैसे आपने आज का एक टारगेट बनाया कि आपको आज सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना है, आज दिन भर केवल हेल्दी फूड खाना है और टाइम से एक्सरसाइज करनी है। ये केवल एक एग्जांपल है, आपका टारगेट कुछ और भी हो सकता है। तो ये पूरा दिन आपकी परीक्षा है कि आपने अपने टारगेट को कितना परसेंट अचीव किया। आपने जो सोचा था क्या आप वो कर पाए? दिन की शुरुआत करते समय तो हम जोश में रहते हैं और बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं, लेकिन शाम होते होते हम अपने टारगेट को भूल चुके होते हैं। बीच में कई बार अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ चुके होते हैं और अगले दिन हम फिर से उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मोटिवेशन खत्म हो चुका है। लेकिन अगर आप रोज रात को खुद से ये 5 सवाल करेंगे तो कभी आपका मोटिवेशन कम नहीं होगा और आपको अगले दिन और भी ज्यादा अच्छे से अपने टारगेट को अचीव करने की हिम्मत मिलेगी। सबसे पहले तो खुद से पूछिए कि आपका आज का टारगेट क्या था, फिर खुद को याद दिलाइए कि आप उसमें कितने परसेंट सफल रहे। आपको ये याद नहीं रखना है कि आप कितने असफल रहे, बल्कि आपको याद करना है कि आप कितने सफल रहे। फिर आपको अगले दिन का टारगेट सेट करना है कि अगले दिन आप आज से ज्यादा टारगेट को अचीव करने की कोशिश करोगे। यदि आज केवल 50% काम किया है तो कल 60% किसी भी हाल में करके दिखलाओगे। ऐसा करते करते आप एक दिन 100% टारगेट को अचीव कर लेंगे। आखिर में सोने से पहले इस बात को याद कीजिए कि क्या कारण थे जिनकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे थे, ताकि आप अगले दिन वो गलतियां ना दोहराएं। मैं अपने हर वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूं कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो अगर आप रोज रात खुद से ये सवाल पूछेंगे, इनकी आदत डाल लेंगे, तो आप बार बार वही गलतियां नहीं करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन के साथ अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जरा सोचिए, जब आपका रोज हर एक दिन इतना ज्यादा परफेक्ट होगा तो आपको अपने सपने पूरे करने से कौन रोकेगा। तो अगर इस वीडियो में बताई गई बातों से आप सहमत हैं तो आज ही 7 दिन का ये चैलेंज लीजिए और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से कौन कौन 7 दिन का ये चैलेंज लेने वाला है। और हाँ, 7 दिन के चैलेंज के साथ साथ सुनिए 7 एपिसोड का एक स्पेशल शो जो आपको दिन की शुरुआत में ही बता देगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करना चाहिए और कैसे अपने जीवन में आपको सकारात्मक ऊर्जा भरनी है। इस 7 एपिसोड के स्पेशल शो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार सुनिएगा जरूर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।